नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल लड़का में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डीडी फ्रीडिस के दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत अच्छी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस खबर का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, 61 ई ऑक्शन की घोषणा हो गई है प्रसार भारती के द्वारा। और दोस्तों, क्या 61 ई ऑक्शन में स्टार उत्सव, सोनी प्लस, जी अनमोल, कलर रिश्ते, ये चारों चैनल वापस आएंगे? तो दोस्तों, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को पहले ही जानकारी दे दिया था कि 61 ई ऑक्शन अगस्त महीने में होगा। तो दोस्तों, हमारी बात सच साबित हुई और अगस्त महीने में होने जा रहा है 61 ई ऑक्शन। दोस्तों, प्रसार भारती ने कल शाम को इसका अनाउंस कर दिया है, इसकी घोषणा कर दिया है कि 61 ई ऑक्शन अगस्त महीने में होने जा रहा है। दोस्तों, YouTube पर टेक्निकल लड़का YouTube चैनल आपके एकदम भरोसे का चैनल है और यहाँ पे आपको जो भी जानकारी दिया जाता है बिल्कुल सही जानकारी दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ जो प्रसार भारती की तरफ से कल शाम को दिया गया है। और यहाँ पे प्रसार भारती ने साफ साफ बताया है कि जो भी चैनल 61 ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और स्लॉट जीतेगा वो 17 अगस्त से डीडी फ्रीडिस पर ऐड कर दिया जाएगा और वो चैनल 31 मार्च तक डीडी फ्रीडिस पर रहेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे डीडी फ्रीडिस की तरफ से ये मैसेज आया हुआ है, प्रसार भारती की तरफ से ये मैसेज आया हुआ है। और दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं इन चारों चैनल के बारे में कि क्या इस 61 ई ऑक्शन में स्टार उत्सव, सोनी पल, जी अनमोल, कलर रिश्ते जैसे चैनल आ सकते हैं। दोस्तों, नहीं आ सकते हैं, इनकी कोई भी संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि 61 ई ऑक्शन सिर्फ एक स्लॉट के लिए होने जा रहा है। जो फूड फूड चैनल रिमूव हुआ था उसकी जगह पे सिर्फ एक स्लॉट खाली है, तो सिर्फ एक स्लॉट के लिए ही 61 ई ऑक्शन हो रहा है। और दोस्तों, ये चारों चैनल जब वापस आते हैं तो साथ में आते हैं और चारों चैनल जब डीडी फ्रीडिस को छोड़ के जाते हैं तो साथ में जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अभी ये 61 ई ऑक्शन में ये चारों चैनल नहीं आएंगे। और दोस्तों, वहीं पे हम बात करें कि 61 ई ऑक्शन में कौन से चैनल आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा चांस बन रहा है अतरंगी चैनल का, उसके बाद चांस बन रहा है बीफ्लिक्स का। तो इन दोनों चैनल में से कोई एक चैनल आ सकता है या कोई नया चैनल भी आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।